छिंदवाड़ा के सक्रिय समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया, जो कि जिले में निरंतर 11 वर्षों से मानव सेवा, गो सेवा, बेटी बचाओ एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में उत्कर्ष कार्यों को कर रहे हैं। चौरसिया ने बताया कि हमारे भारत देश का भविष्य यह युवा पीढ़ी विद्यार्थी गण जो कि किसी न किसी नशे के आदि होकर नशे के चंगुल में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं। आज इस विद्या के मंदिर में हमारे देश के गौरव कहलाने जाने वाले उस तिरंगे की और अपने माता पिता की सौगंध खाता हूँ। लड़कियां बोलते खाती है, सौगंध खाते हैं। आगामी भविष्य में अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी रूप से किसी भी प्रकार का नशे को नहीं करेंगे और न ही हमारे साथ करता हुआ व्यक्ति को हम करने देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि आज क्या आवश्यकता पड़ गई इस अभियान को चलाने के लिए? क्या शिक्षण संस्थाओं में ज्ञान नहीं दिया जाता, शिक्षा नहीं दी जाती है? नहीं, सब जगह शिक्षण संस्थाओं में वही ज्ञान दिया जाता है, सही रास्ते पे चलने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। हर शिक्षक अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देखना चाहता है, लेकिन जो सामाजिक बुराई धीरे धीरे पनप रही है, आज पंजाब एक ऐसा प्रांत बन गया है जिसमें पूरे भारत में अधिकतम लोग नशे से ग्रसित और सीमा पार से नशी दवाइयों का यहाँ आना शुरू हो गया है। और आने वाले समय में विश्व युद्ध हो ना हो, लेकिन ये जो विश्व युद्ध होगा जो देश को खोखला कर देगा, हमारे ये नवयुवा दिखाई दे रहे हैं, हमारा जो किसान पंजाब में है, यदि आज ये अपने पद से भ्रष्ट हो गया या अपने पद से भटक गया तो समझो देश को अनाज कौन देगा। दोस्तों, न्यूज टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।